22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र में आम लोगों के आक्रोश का बेरहम चेहरा सामने आया है। आक्रोशित लोगों ने एक बाइक सवार को बेहद बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई इतनी घातक थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही जख्मी ने दम तोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि सुपौल जिले के इटहरी निवासी मोहम्मद शरीफ आलम इटहरी से सीही गांव जा रहे थे। रास्ते में नूनू पट्टी चौक के पास बाइक सवार मोहम्मद शरीफ आलम से एक साइकिल सवार व्यक्ति को ठोकर लग गई, जिससे वह शख्स जख्मी हो गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस घटना में बाइक सवार भी घायल हो गए। इधर बाइक सवार के द्वारा ठोकर मारने से घायल होने वाले शख्स के परिजन तब तक शोर शराबा सुनकर मौके वारदात पर पहुंच गए। ठोकर लगने से जख्मी हुए साइकिल सवार के गुस्साए परिजन ने सारे नियम कायदे को तार पर रखकर बाइक सवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। लोग जल्लाद बनकर बाइक सवार को पीट रहे थे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बाइक सवार देखते ही देखते गंभीर रूप से न केवल जख्मी हो गया, बल्कि बुरी तरह से लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इस बीच कुछ लोगों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को सदर अस्पताल भेजा, जहां उसे डॉक्टर ने नाजुक हालात देखकर दरभंगा रेफर कर दिया। लेकिन दरभंगा जाने के क्रम में ही बाइक सवार मोहम्मद शरीफ आलम ने दम तोड़ दिया। मोहम्मद शरीफ आलम की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने लाश को सड़क पर रख नूनू पट्टी के समीप जाम कर दिया है। मृतक के परिजन घटना को अंजाम देने वाले तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर मौजूद डीएसपी विद्या सागर सहित सदर पुलिस जाम स्थल पर पहुंचकर जाम हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच भी गंभीरता से शुरू कर दी है। इस घटना ने पुलिस के निकम्मेपन की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। एक तरफ जहां अपराधी मनमाफिक तरीके से संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी भी कानून को अपने हाथों में लेकर हत्या जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। इस घटना ने यह भी जाहिर कर दिया है कि खाकी की हनक पूरी तरह से खत्म हो गई है। पुलिस और कानून का अब किसी को भय नहीं रहा। सिटी पोस्ट लाइव मीडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना।